श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ते साबका मंत्री विक्रम मजीठिया जिन्हां दीआं मुश्किलां हुण होर ज़्यादा वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने। ड्रग मामले दे विच ईडी दी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, सूबे दे बहुचर्चित ड्रग मामले दे विच विक्रम मजीठिया दीआं मुश्किलां इस तरीके दे नाल वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने, जिथे कि ईडी दे वल्लों ना सिर्फ एंट्री कीती गई है बल्कि पूरा वेरवा जिहड़ा है उह मंगिआ जा रिहा है। तो लगातार इस मामले को लैके जिते SIT गठित की हुई सी, उन्होंने वालों पूछगिछ जारी सी, तो हुण ईडी की जिहड़ी एंट्री है वह किते ना किते बड़े सवाल खड़े करती हुई नज़र जरूर आ रही है। तो इस दे नाल ही इस ईडी की एंट्री ने विक्रम मजीठिया दीआं मुश्किलां जरूर वधा दित्तियां ने। तो सूबे के बहुचर्चित ड्रग मामले के श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता ते साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया दीआं मुश्किलां वध गईआं ने। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने मजीठिया खिलाफ़ जांच शुरू कर दी है। पता लग्गिआ है कि ईडी ने मामले च गठित स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम की रिपोर्ट ते नोटिस लैंदे हुए केस नाल संबंधित वेरवा मंगिआ है। ईडी ने DIC पटियाला रेंज नूं पत्र लिख के FIR दा वेरवा जांच दिस्से ते गवाहां दे बयान, मजीठिया ते उन्हां दे परिवार दे 284 बैंक खातियां दा वेरवा, फर्मां दे मैंबरां दे रजिस्टर ऑफ कंपनीज यानी ROC रिकॉर्ड ते ITR दी कापी मंगी है। SIT ने अपनी जांच दौरान 13 अगस्त नूं ईडी नूं पत्र भेज के खदशा प्रगटाया सी कि इस मामले च मनी लॉन्ड्रिंग दा शक है। इस कारण इस मामले की ईडी जांच होना जरूरी है। इस तो बाद ईडी के सहायक डायरैक्टर जलंधर जॉन ने DIG पटियाला रेंज नूं मामले नाल संबंधित रिकॉर्ड छेती तो छेती देण नूं कहा है। सूबा सरकार ने जनवरी महीने च मजीठिया खिलाफ़ दोषियों की जांच लई SIT का गठन किया। SIT ने अपनी जांच देखा कि विदेशी कंपनियां ते परिवारिक फर्मां तो 436 करोड़ रुपए तो वध दी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक ही दिन ते यह भी पते ते वड्डी मात्रा च नकदी जमा करवाई गई। वित्तीय दस्तावेज की जांच सराया इंडस्ट्री ते संबंधित फर्मां च शक्की लैण देण दा पता लग्गिआ है। SIT ने जमीना दे सौदे ते भी सवाल उठाए क्योंकि जिन्हां जमीना दे सौदे होए उन्हां दीआं कीमतां च अचानक वाधा होया। जांच च पता लग्गिआ कि मजीठिया की आमदन उन्हां दीआं बढ़ाईआं गईआं जायदादां ते खर्चिआं तो घट सी। जिक्रयोग है कि मजीठिया खिलाफ़ पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन च 20 दिसंबर 2021 नूं मामला दर्ज किया गया सी। इस तो बाद मजीठिया नूं गिरफ़्तार कर लिया गया सी। 2022 दे विच पंजाब च विधानसभा चोणां सन। इस तो बाद चोणां लड़न लई मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया सी। सुप्रीम कोर्ट ने चोणां लड़न की इजाजत इस शर्त दिती कि चोण प्रक्रिया पूरी होते ही मजीठिया आत्म समर्पण कर देंगे। खैर अजिहा ही होया, विक्रम मजीठिया के वालों आत्म समर्पण कर दिता गया सी। तो कुछ महीने जेल कट्टण मगरों विक्रम मजीठिया नूं इस मामले के बाबत जमानत मिल गई सी। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू ते साबका मंत्री विक्रम मजीठिया जिन्हां दीआं मुश्किलां हुण होर ज़्यादा वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने। ड्रग मामले दे विच ईडी दी एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, सूबे दे बहुचर्चित ड्रग मामले दे विच विक्रम मजीठिया दीआं मुश्किलां इस तरीके दे नाल वधदीआं होईआं नज़र आ रहीआं ने, जिथे कि ईडी दे वल्लों ना सिर्फ एंट्री कीती गई है बल्कि पूरा वेरवा जिहड़ा है उह मंगिआ जा रिहा है। तो लगातार इस मामले को लैके जिते SIT गठित की हुई सी, उन्होंने वालों पूछगिछ जारी सी, तो हुण ईडी की जिहड़ी एंट्री है वो किते ना किते बड़े सवाल खड़े करती हुई नज़र जरूर आ रही है। तो इस दे नाल ही इस ईडी की एंट्री ने विक्रम मजीठिया दीआं मुश्किलां जरूर वधा दित्तियां ने। तो सूबे के बहुचर्चित ड्रग मामले के श्रोमणी अकाली दल के सीनियर नेता ते साबका कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया दीआं मुश्किलां वध गईआं ने। इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने मजीठिया खिलाफ़ जांच शुरू कर दी है। पता लग्गिआ है कि ईडी ने मामले च गठित स्पैशल इन्वैसटीगेशन टीम की रिपोर्ट ते नोटिस लैंदे हुए केस नाल संबंधित वेरवा मंगिआ है। ईडी ने DIG पटियाला रेंज नूं पत्र लिख के FIR दा वेरवा जांच दिस्से ते गवाहां दे बयान, मजीठिया ते उन्हां दे परिवार दे 284 बैंक खातियां दा वेरवा, फर्मां दे मैंबरां दे रजिस्टर ऑफ कंपनीज यानी ROC रिकॉर्ड ते ITR दी कापी मंगी है। SIT ने अपनी जांच दौरान 13 अगस्त नूं ईडी नूं पत्र भेज के खदशा प्रगटाया सी कि इस मामले च मनी लॉन्ड्रिंग दा शक है। इस कारण इस मामले की ईडी जांच होना जरूरी है। इस तो बाद ईडी के सहायक डायरैक्टर जलंधर जॉन ने DIG पटियाला रेंज नूं मामले नाल संबंधित रिकॉर्ड छेती तो छेती देण नूं कहा है। सूबा सरकार ने जनवरी महीने च मजीठिया खिलाफ़ दोषियों की जांच लई SIT का गठन किया। SIT ने अपनी जांच देखा कि विदेशी कंपनियां ते परिवारिक फर्मां तो 436 करोड़ रुपए तो वध दी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। एक ही दिन ते यह भी पते ते वड्डी मात्रा च नकदी जमा करवाई गई। वित्तीय दस्तावेज की जांच सराया इंडस्ट्री ते संबंधित फर्मां च शक्की लैण देण दा पता लग्गिआ है। SIT ने जमीना दे सौदे ते भी सवाल उठाए क्योंकि जिन्हां जमीना दे सौदे होए उन्हां दीआं कीमतां च अचानक वाधा होया। जांच च पता लग्गिआ कि मजीठिया की आमदन उन्हां दीआं बढ़ाईआं गईआं जायदादां ते खर्चिआं तो घट सी।
जिक्र योग है कि मजीठिया खिलाफ पंजाब स्टेट क्राइम पुलिस स्टेशन च 20 दिसंबर 2021 नु मामला दर्ज किया गया सी। इस तो बाद मजीठिया नु गिरफ्तार कर लिया गया सी। 2022 दे विच पंजाब च विधानसभा चोणां सन। इस तो बाद चोणां लड़न लई मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया सी। सुप्रीम कोर्ट ने चोणां लड़न की इजाजत इस शर्त ते दित्ती कि चोन प्रक्रिया पूरी होते ही मजीठिया आत्म समर्पण कर देंगे। खैर अजिहा ही होया, विक्रम मजीठिया के वालों आत्म समर्पण कर दिया गया सी। तो कुछ महीने जेल कट्टण मगरों विक्रम मजीठिया इस मामले के बाबत जमानत मिल गई सी।